अब देखते हैं, इसने ब्रेक डाउन दिया है, रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल को। पहले आपको ट्रिक्स दिखा देता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर द पैटर्न एंड लॉजिक। तो ऐसे एक जोन बनाओ हमेशा, क्योंकि इस जगह पर बाइंग सेलिंग इस जगह पर कंफ्यूजन बहुत होता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे, काफी अच्छा ट्रेड चल रहा होगा। मेरा तो ट्रेड सेटअप रेडी होने के बाद चलेगा, आज भी पूरा काम ही काम है। तो बहुत थके थे, बहुत नींद बहुत जल्दी खुल गई थी, थकने के बावजूद भी अच्छा है, नींद जल्दी खुल जा रही है। बाकी अभी सुबह अपन मार्केट देखा था तो फिर निफ्टी है, आज फिर निफ्टी एक्सपायरी है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर कभी मेरा एक पैटर्न में इसने ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, मैं एंड पे खाली ये लगाया हुआ है, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं लिया अभी। ठीक है, तो कोई अभी तक ट्रेड नहीं है, तो अभी तक हमारी कोई पोजीशन बनी नहीं है। तो अब देखते हैं, इसने ब्रेक डाउन दिया है, रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल को। यहाँ पर मेरे को एक अच्छी खासी कैंडल चाहिए थोड़ी सी, जो शार्प एक मूव दे, इस लो को काटे, तो मैं वहाँ से स्कैल्प के लिए जा सकता हूँ। ये लो तक का टारगेट होगा, बट लेट्स सी। इसने यहाँ पर एक पैटर्न भी बना रखा है, इसको हेड एंड शोल्डर टाइप का कह सकते हो आप, और ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे निफ्टी 50 को देखें, जो सपोर्ट एरिया पे यहाँ से फॉलो हुआ, सपोर्ट एरिया पे आया, जो जितना ही आप मूव दिया था उतना ही उतना पूरा मूव खत्म हो चुका है इसका। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम, जो अप मूव दिया था उसने वही अप मूव पूरा ईट हो चुका है, अभी सपोर्ट एरिया पे है। तो वो लेट्स सी, अभी हम फिर निफ्टी है आज एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी में करेंगे काम। चलो तो दोस्तों, वेट करने के बाद अपने दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, दो ट्रेड पर अपने एंट्री ली थी, मैं पैटर्न बना के रखा हुआ था और वो पैटर्न आपको एक बार शो कर देते हैं, क्या था वो पैटर्न और क्या है ट्रेड्स। पहले आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर द पैटर्न एंड लॉजिक। स्कैल्पिंग ट्रेड है, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में अच्छी ठीक क्वांटिटी उठाई थी, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज नहीं है, परसों है, तो थोड़ा सा इसमें सेफ रह सकता है। और इसका कैंडल का मूव देखो, है ना, और 150 के आसपास उठा के 180-190 के बीच में एग्जिट मार दिया था क्वांटिटी, और इसमें 50,000 का प्रॉफिट है। और ये 19,300 की पुट ऑप्शन, इसका मूवमेंट इधर से कैप्चर हुआ था, ये जो बार आई थी इस वाली बार पे, एंड 45 की चीज उठाई, ये 42-44 के बीच में मैं इसमें क्वांटिटी उठाया, 50 के आसपास इसका एग्जिट किया था, तो इसमें अराउंड 15,000, तो अभी 65,000 की प्रॉफिट पे। और ये जो अपना चल रहा है, ये देखो, ये ट्रेड था। और उसके बाद पहले मैं समझाया तो आपको फिन निफ्टी में क्या था, देखो अपन ने देखा, वेट किया था कि यार ये अभी इस जगह पर आ रहा है तो यहाँ पर कहीं नीचे को डाउन मूव आ सकता है, तो उसको मैं स्मॉलर कैंडल पर मैंने उसको पकड़ा, ऊपर से इजेक्शन आया था 9 AM में, देखो यहाँ पर इजेक्शन आया था, उसके बाद ये कैंडल इसके नीचे आ गई थी एंड मेरी इसमें एंट्री हो गई थी, और इसने थोड़ा सा एक रिजेक्शन जैसा दिया, तो मैं इसके हाई पर कोई कैंडल इसके हाई को निकालती, मैं एग्जिट कर जाता, बट मैं इसमें एक आ गया अपना टारगेट। वहीं बैंक निफ्टी पे चले तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा एक स्कैल्पिंग मूव था, और प्राइस डाउन मूव दिया, एक पैटर्न बनाया, रिजेक्शन आया, डाउन फॉल, इसको ब्रेक डाउन किया, रुका यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए गया, 9 AM आया, रिजेक्शन दिया, मैंने यहाँ पर एंट्री किया और ये इमीडिएट टारगेट इसमें अपना आ गया। तो अभी अपन 61,000 के प्रॉफिट पे, 65,000 के प्रॉफिट पे, अब लेट्स सी हम इसको कहाँ पर करते हैं एंड अप। और अभी 10:42 ही हो रहा है, और फिर निफ्टी को देखेगा तो इसकी आज एक्सपायरी है, सो अभी देखते हैं, हो सकता है नीचे को अभी डाउन मूव देके, अभी स्पीड कम हो गई है, सेलिंग की स्पीड भी कम होगी, ये रुक रहा है मार्केट, तो हो सकता है ये अब मूव देके वो कर दे। क्योंकि अगर हम इंडिया विक्स को देखें, अगर तो इंडिया विक्स देख रहे हो आप कैसे कर रहा है, ये इंडिया विक्स अभी चल रहा है 1% ऊपर, ये 1% 11 पर आया है, तो सेलिंग आ रही है, मार्केट फॉल कर रहा है, बट विक्स बढ़ नहीं रहा है, इट मीन्स मार्केट स्टेबल है, तो आप मूव दे सकता है। अभी हो चुका है टाइम 12 बजने वाले भाई, और मैं वेट करते करते थक गया, मैंने सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था 8 बजे, अभी बच चुके 12, तो दिन भर का काम पड़ा रह गया है। और मार्केट को अगर देखो तो मार्केट भी अभी साइडवेज जोन पे ही है, ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं, मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में मूव आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद ही, 1:30 या 2 बजे के बाद आएगा कुछ मूव आएगा, तो आप मूव दे सकता है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इस जगह पर होल्ड किए हुए मार्केट, तो लेट्स सी, अगर आप मूव देता है तो अपन ट्रेड में घुसेंगे, एंटर करेंगे, लेके जाएंगे ट्रेड को, नहीं देता है तो फिर देखा जाएगा। बाकी 12 बज चुके हैं, अभी काम मेरा कुछ नहीं हुआ है, उन दोनों को मैंने भेजा है सामान लेने के लिए, लेकिन जिसने काम करना वो आया नहीं अभी तक, तो वेट करते हैं कब तक आता है। हाँ, तो दोस्तों अभी एक और अपना स्कैल्प बना है, मैं आपको उसके पीछे का वो समझाता हूँ, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है एक और स्कैल्पिंग ट्रेड बनना है, तो वो भी अभी हम अपन करने की प्लानिंग कर सकते हैं, बट लेट्स सी क्या हो रहा है प्राइस में, अब मूव आ रहा है। देखो यहाँ पर प्राइस ने एक रेंज डाउनफॉल दिया, फिर यहाँ पर रेंज बनाया, मैं कहा था आपको एक टाइम उस टाइम पे कि एक्सपेक्टेड है कि अब मूव यहाँ से मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पर प्राइस रुक रहा है, फॉल होना होता बहुत तेज़ी से होता, जितना फॉल होना था हो गया, यहाँ पर प्राइस रुक गया है, रुकने के बाद इसने यहाँ पर काफ़ी जितनी सारी कैंडल से उसके बाद एक बिग बार बनाया है। तो बिग बार का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई ऐप के अंदर, ये स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर किया है, तो उसमें मैंने चीज़ आपको बताई है कि बिग बार का मेन लॉजिक क्या है। मेन लॉजिक यही है कि यार जहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं
और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उस डायरेक्शन मूव करता है। 1-3 कैंडल में डायरेक्शन मूव 40 पे उठा के 60 के अराउंड एग्जिट किया था और 18385 कॉल ऑप्शन को मैं लेके गया। सो ये देखेंगे अराउंड ये तो इसके अंदर प्रीमियम में काफ़ी अच्छा मूव आया है। फर्स्ट पिक पर अपना 35 के आसपास गया, उसके बाद सीधा प्रीमियम 65 टच करके आया है। तो अभी अपना 92 पे आ गए हम, अभी बज गया 1:22। सो ये था अपना एक और ट्रेड जो कि एग्जीक्यूट, मतलब जो कि अभी अपना कंप्लीट हो चुका है बिग बार पे। और बैंक निफ्टी का ट्रेड आपको बताया था, बैंक निफ्टी भी प्राइस में मूवमेंट आ रही है। अभी थोड़ा सा यहाँ रुक के हो सकता है अब मूव दे, या देखते हैं। अभी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जोन होता है एक। अब अगर यहाँ पे अगर हम जाते हैं ऐसे, यहाँ से एक जोन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस जगह से ये एक्स को कह सकते हो जोन, तो ऐसे एक जोन बनाओ हमेशा, क्योंकि इस जगह पर बाइंग सेलिंग इस जगह पर कंफ्यूजन बहुत होता है। इसको जोन बना के चलोगे तो आपको चीज़ वहाँ भी जोन है, तो इधर सेलिंग भी करता है कोई, कोई यहाँ पर बाय करने की ट्राई करता है कि यहाँ से निकलेगा कोई, यहाँ पर शॉर्ट जहाँ से उठा के बैठे हैं यहाँ पर एग्जिट वहाँ से, तो ऐसा चलता रहता है मार्केट। तो ये चीज़ें देखनी जरूरी है। फिन निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो ये अभी ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, चल रहा है। अभी ये भी रुका हुआ है, यहाँ पर भी देखो ये रेजिस्टेंस है ना बस, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास भी आप देख सकते हो प्राइस कैसा, थोड़ा सा प्राइस प्योर प्राइस एक्शन पर चलता है ऐसा। आप होप ट्रेडिंग कभी मत किया करो कि उम्मीद पर है ना, आप प्रॉबर्टीज पर काम होता है विद रिस्क मैनेजमेंट। ये देखो यहाँ पर एक जोन है ये, तो अभी यहाँ पर थोड़ा रुका है, अब इसको निकालता है ऊपर को तो आप मूव दे सकते हो। आप मूव कहाँ तक देगा, इस जगह कहीं पर, ठीक है। तो लेट्स सी ये भी अपन का मार्केट क्या करता है। बाकी अपन 92 पर आ गए हैं एंड स्लो एंड स्टडी हमारा चल रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों अभी मार्केट 2 PM कैंडल पे एक बहुत भयंकर ट्रैप बना था, अपन ने कुछ किया नहीं, वो दिखाएंगे आपको है ना। तो हमारे भैया भी आए काम करने के लिए, पता नहीं है हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बनाते हैं यार। इन्हें कहा था 8 बजे आधे लेट तो जिन्हें अल्दानी में इनसे काम कराना वही नहीं से काम कराना, क्योंकि ये लेट आते तो अभी अपने को इन्वर्टर करना था शिफ्ट, मैंने कर दिया यहाँ ने, हमारा बनना है स्टूडियो, तो मैं चेयर लगा इधर पे लगाता हूँ। बाकी अभी इन्वर्टर से ओके है तो लाइट भी गई है, तो नेट यहाँ पर चलेगा नहीं। बाकी अपना जो ट्रेड है अभी 92,000 पे ही है, कुछ नहीं किया है ज़्यादा नहीं, पेशेंसली काम होगा और रुक रुक के काम होगा, जबरदस्ती के ट्रेड्स नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी पूरा चल रहा है मेरा काम और एक और स्कैल्प हुआ है, तो अभी अपना एक बैंक निफ्टी के अंदर बिग बार बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत तगड़ी स्कैल्पिंग इसमें हुई है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम भी मूव किया था। तो इसमें अराउंड अभी अपना जो रेंज देखो, मैंने रेंज बनाई रखी थी और रेंज के ऊपर निकला था काफ़ी टाइम से पहले, नीचे से रिजेक्शन दे रहा था। नीचे से देखो ये रिजेक्शन कैंडल, इसको हैमर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बना है, बट यहाँ से रिजेक्शन मिले इसको काफ़ी ज़्यादा, ये भी रिजेक्शन था एंड इसके बाद प्राइस सीधा अप मूव दिया है। तो मैं इसमें एंट्री किया था और क्या प्रॉफिट है मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद शेयर करूंगा, काफ़ी टाइम बाद एक डिसेंट प्रॉफिट है। और यही था अभी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में मैंने नहीं किया, फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है तो इसमें मैं कम से ही करता हूं। तो अभी मैं बैंक निफ्टी में पकड़ के चला हूं ट्रेड को, अभी वापस से बैंक निफ्टी निकल रहा है तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जाता हूं मार्केट को, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारा सामान लेना है और हमारा खाने पीने का किचन उचन का, दीदी आ रही मेरे साथ, दीदी जीजा जी, तो उनके साथ सामान लेना है मैंने पूरा। और स्टूडियो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा बहुत जल्द और स्टूडियो सेटअप टूर आपको इस वीकेंड में मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे काफ़ी शौक है, मतलब मैं और चीज़ नहीं, मैं जिस जो काम ने मेरे को पैसा दिया है, जो काम मेरे को जिस काम से जिस चीज़ को करके मुझे पैसा मिल रहा है, तो उस पर मैं बिल्कुल खर्चा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे आने वाले टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो करते हैं अभी चलते हैं बाजार को। तो दोस्तों अपन आगे सामान लेके, बहुत सारा सामान हमारे को अभी इधर ही अपना बनाना है खाने पीने का, तो राशन पानी लाए हैं, अब ये बनाएंगे खाना, तो खिचड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर जो जो लाएंगे उसको देंगे है ना। तो दोस्तों अभी डिनर वगैरह हो गया है, और एक बार मैं आपको जो ट्रेड्स हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मेरा स्टूडियो जैसे ही रेडी होता है मैं आपको कंप्लीट टूर दूंगा, स्टूडियो टू, स्टूडियो माय ट्रेडिंग सेटअप 2.0 अब रेडी हो जाओ। बहुत ज़बरदस्त किया है मैंने अपने सेटअप पर काम, छोटा मोटा भी कुछ दिख रहा होगा लेकिन कंप्लीट आपको इस स्टूडियो टूर में देखिएगा। अभी हम ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर आज का क्या मेरा प्रॉफिट रहा और क्या यहाँ पर मैं क्लोज किया हूँ आपको बताता हूँ। सो आज अपन ने जो क्लोज किया है 125 पर, मेरा प्रॉफिट 1,60,000 था एक टाइम पे। और जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड आया, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया है ना, और मेरे जो मेजर प्रॉफिट्स है दोनों के दोनों बैंक निफ्टी में 67,59 और उसके बाद एक फिन निफ्टी में था एंड 15, और ये निफ्टी में मैं ट्रेड किया, इसमें मेरे को 35,000 का लॉस हुआ। उसका रीजन बताता हूँ कैसे, और उसका रीजन ये था, देखो ये मेरे दो ट्रेड्स तो थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सुबह, इसके बाद फिर निफ्टी में जाऊँ तो फिर निफ्टी में एक्सप्लेन किया था। लेकिन निफ्टी में मैं अगर आता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पे, तो निफ्टी में मैंने यहाँ पे इस जगह पे जो यहाँ पे हमारे पास 3:10 वाली कैंडल पे मैं एक ट्रेड ले गया, पंचअप किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मैं इस ट्रेड को 18,000 कॉल ऑप्शन में लॉस है। रीज़न है इसका, 18,800 कॉल मैंने यहाँ पर उठाई थी,
18,800 के ऊपर क्रॉस कर चुका था यहाँ पे मैंने कॉल उठाई थी। रीजन क्या था, मैं यहाँ पे 5 लाख से क्वांटिटी उठाना चाह रहा था इस जगह पे, है ना, 5 लाख से क्वांटिटी उठाना चाह रहा था, लेकिन क्वांटिटी मेरी जो उठ गई 15 लाख से उठ गई। अगर आप यहाँ पे मेरे पास यहाँ कहीं पे था इसका ये मैंने 15 लाख रुपीस के आसपास से इसमें मैंने मतलब जो ऑर्डर मारे थे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो मैं सीधा स्वाइप कर दिया थोड़ा सा कि कहीं मिस ना हो जाए, थोड़ा सा मैं इसको फटाफट वो कर देता हूँ, फोमो होता है एक तरीके से, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा क्वांटिटी वन जब किया, लेकिन मैं देखा ये इतना बड़ा फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है प्रीमियम्स मतलब प्राइस में, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार मैं क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा डाली, मैं तो फिर उसको तुरंत अपना जो सेल वाला बास्केट था इसमें इससे तुरंत इसको एग्जिट किया, और तब जाके मैं 1,25,000 में मुझे 35,000 का लॉस बुक करना पड़ा, और वरना एग्जिट नहीं करता और भी अच्छा प्रॉफिट होता, 2,20,000-2,30,40 ऐसे ही आता प्रॉफिट, बट अभी 1,25,000 पर अपने क्लोज किया है। और यही था आज का मार्केट, आप देख रहे हो बहुत अच्छा लोगों ने पैसा बनाया, बिग बार कई हर एक इंडेक्स में बिग बार बहुत अच्छे बने थे, ठीक है। यहाँ पे अर्ली वार्निंग देखो, ये सपोर्ट इस जगह पे अर्ली एंट्री साइड है बिग बार का, बिग बार स्कैल्प देखो 9 EMA बिग बार 1-2-3 स्कैल्प, ठीक है, ये बिग बार हो सकता है यहाँ पे ऐसा गया होगा आपका, फिर यहाँ पे बिग बार स्कैल्प, और यहाँ तो ऐसी मेजर बिग बार बनी थी कि इसके बाद बैक टू बैक मार्केट गया ऊपर, तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको बिग बार मिलेंगे। स्ट्रेटजी मैंने ऐप के अंदर शेयर किया हुआ है, ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, ऐप में बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है। बाकी फिन निफ्टी को अगर देखें, फिन निफ्टी में तो अंधाधुंध बिग बार बनी थी, तो बिग बार का एक लॉजिक है वो उसको हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए आपके साथ मैंने वो चीज शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों अभी मतलब बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल, आप देख रहे होंगे, और तुम्हारा भाई का सेटअप मैं अभी पूरा दिखाऊंगा, नहीं सस्पेंस रखूंगा क्या क्या ऐड किया, क्या क्या चीजें बनाई है, बहुत कूल सेटअप बना रहा भाई, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऐसे काम करना बहुत पसंद है। आप अगर ये सोचते होंगे कि हाँ ये इसका यही रहता है काम, ऐसी प्रॉफिट रहते हैं छोटा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं पोर्टफोलियो करता हूँ, बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो मेरा क्या है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ना कोई मैं एडवाइजर ना कुछ, मेरे शेयर करने पर आप चीज़ें ले लोगे तो आपको लॉसेस होगा, उसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना किसी टाइप की ट्रेड्स देता हूँ, ना किसी टाइप की स्ट्रीमिंग करता हूँ, ये सब चीज़ें कि ये खा लो ये कर लो वो कर लो, हम जब तक हम कोई रजिस्टर्ड बंदे नहीं है, हमारे को कोई अथॉरिटी नहीं है आपको चीज़ें आपको आपका पैसा लगवाने की, आपको बोल गई कि ऐसा कर लो ऐसा लगा लो ऐसा लगा लो, हाँ ये सीखना है मैं, हम सिखा सकते हैं वो चीज़ अपने को करना अलाव कि हाँ हमें आता है चीज़ें तो हम सिखा सकते हैं एज फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो वो आपको मेरी साइड से मिलेगा, बट ये सारी चीज़ें नहीं कि कोई चीज़ मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाकी यही था मेरा आज के ट्रेड्स, ऐसी था, बाकी आपको स्टूडियो टूर बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत काम किया है भाई इसमें। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट सीख लेना बिल्कुल मत करना जो मैं हमेशा कहता हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस स्टॉक बर्नर को छोटा भाई समझ के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और कमेंट भी कीजिए आपका कल का दिन, आपका जो दिन था ट्रेड वो कैसा रहा, और जीजू आ गए यहाँ पे है ना। तो ये था अपना आज का ट्रेडिंग, और मैं आपको पूरा स्टूडियो भी नहीं दिखा सकता, मैं सस्पेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि तो मेरे को उसका कंप्लीट स्टूडियो टूर दूंगा, इस पॉइंट बाय पॉइंट चीजें बताऊंगा, एक दिन का पूरा व्लॉग वही रहेगा मेरा, हो सकता है इस वीकेंड का रहे, तो आप रेडी रहो, बाकी ऐप डाउनलोड करके रखो। अब आपको स्कैल्पिंग मैं आपको क्या होता है ऐप के अंदर चीज़ें स्कैल्पिंग से रिलेटेड सिखाने वाला हूँ, बेसिक से कोई कंटेंट मैंने एक बार बोला है तो मैं लाने वाला हूँ, बट मेरा थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मेरे दिल्ली से सामान आना है, उसका वेट करना है, स्टूडियो हॉल पूरा साउंड प्रूफ स्टूडियो बनना है, ठीक है। बाकी ये सब रेडी है और यहाँ पे करते हैं कुछ नया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।